नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों रोज की तरह मैं आपके लिए NTPC का लास्ट ईयर का क्वेश्चन सेट पेपर लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पेपर में आपके लिए 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व कीजिए और देखिए NTPC के पेपर में आपके कितने मार्क्स आते हैं। क्वेश्चन का आपका जो सॉल्यूशंस है, आप अपना स्कोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ये NTPC का पेपर। साथ साथ हमारे चैनल की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं चैनल की इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पेपर NTPC का 2016 का ये प्रैक्टिस सेट पेपर है। उम्मीद करता हूँ आपके 30 में से 30 राइट आंसर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 2016 में आए इस क्वेश्चन पेपर का? सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पेपर का है आपका, निम्नलिखित में से BCCI के नीति अधिकारी अर्थात एथिक्स ऑफिसर के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है, न्यायाधीश AP शाह उस समय थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में एथिक्स अधिकारी है DK जैन। क्या हो जाएगा राइट आंसर अगर 2019 की बात करें तो DK जैन अभी BCCI के एथिक्स अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो आपके पास ऑप्शन है हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज, गलसुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेबीज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रेबीज वो संक्रामक रोग है जो जानवरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में आजकल सभी के घर में नॉर्मली RO सिस्टम, विपरीत परासरण जिसको आप बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, तो जल को साफ करने में रिवर्स ऑस्मोसिस RO सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो एक बार सेम क्वेश्चन है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। जानवरों के काटने से कौन सा मनुष्य में संक्रमित जानवर के काटने से फैलने वाला रोग है? तो रेबीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस RO सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो बताइए MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? बताइए राइट आंसर क्या है इसका। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ब्रेन। MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम ब्रेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वे किसके द्वारा संचालित होते हैं? बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर से लोग गुजरते हैं वे किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, फेराडे के नियम के कारण वो संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जूलियस ओपनहाइमर। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? जूलियस ओपनहाइमर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह MET MET MATSAT, इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मैटसेट जो है क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मैटसेट जो है भू समकालिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC कहां पर स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन का आंसर सामने ही है, तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल तृतीय, चोल वंश का अंतिम राजा कौन सा था? राजेंद्र चोल तृतीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, सभी को ये आंसर पता ही होगा, जोनास सॉल्क इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एनटीपीसी में कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये बात नहीं है कि अब नहीं आएंगे, हाल ही में जेई का पेपर हुआ तो जेई में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो रेलवे जो है एकदम सरल पेपर देता है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए पेपर की क्वालिटी जो है इंप्रूव्ड होती है सीबीटी 2 में। तो कोशिश करिए फर्स्ट अटेम्प्ट पास करिए और सीबीटी 2 की दिल से तैयारी करिए अच्छे से, इस बार जॉब लेनी ही लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भौतिक एवं रसायन विज्ञान के 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं, भौतिक और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला मैडम क्यूरी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ के द्वारा वो लॉन्च किया गया था, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम क्या था ये तो सभी को पता होगा, चलिए इसी बात पर बता दीजिए उस उपग्रह का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आरती साहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला आरती साहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ, 5 ओम लिखा हुआ है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धारा पर प्रभाव, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है, तो पहला एंग्लो बर्मी युद्ध ऑप्शन नंबर सी 1824 से 1826 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी मणिपुर इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं ऑप्शन। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, असम। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है, तो ओलंपिक में ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 1992 में ओलंपिक में बैडमिंटन को 1992 में आधिकारिक तौर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या है।
चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों ने ब्लैक पैगोडा भी कहा था? तो ये तो बनना चाहिए सभी से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर ए, जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही उत्तर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा ये सभी करते हैं, नागालैंड जो है छठी अनुसूची का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसको कहते हैं एडाफेलोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, इसको कहते हैं एडाफेलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्या देवी भंडारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जोनास बी सॉल्क, ऑप्शन नंबर बी जोनास सॉल्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? बताइए, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी कूलाम है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए कुछ एनटीपीसी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने स्कोर अपना अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर करें, स्कोर कितना आपने स्कोर गेन किया। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और दोस्तों क्लास के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए सारे नोटिफिकेशन को पढ़िए, और वीडियोस की लिंक भी दी है, सभी वीडियोस की लिंक उसमें है। हमारी क्लासेस में लाइव क्लासेस चलती हैं जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, साइंस की, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने। आप लिंक के थ्रू हमारी क्लासेस भी देख सकते हैं, लास्ट जो क्लासेस हुई हैं, और चैनल सब्सक्राइब करके कंटिन्यू हमारी क्लासेस में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।